Dear students, assalamu alaikum. This is me, Shahzad Mustafa, and you are watching Cool Education YouTube channel. आज की ये वीडियो हमारी BS Nursing 4 या डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें BS Nursing 4 या डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन्स ओपन हैं। इसके अलावा अगर आप एडमिशन्स की अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा लेटेस्ट एडमिशन्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके साथ साथ आपको बता भी देता हूँ कि आपने कैसे देखने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनमें इस वक्त नर्सिंग के एडमिशन ओपन है। इनमें सबसे पहले जो है वो प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, यहाँ पे बीएस नर्सिंग 4 या डिग्री प्रोग्राम के सेशन 2024 टू 2027 के एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। इसके अलावा यहाँ पे जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है वो मैट्रिक साइंस के साथ किया और कैंडिडेट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए और मजीद किसी किस्म की कोई भी मालूमात के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को लिंक विजिट कर सकते हैं pihs.edu.pk या फिर इनके मोबाइल नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनसे मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला कॉलेज है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज इस्लामाबाद। यहाँ पे भी बीएस नर्सिंग 4 या डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके FSC प्री मेडिकल में। और इसके अलावा यहाँ पे डेडलाइन तो वैसे 25/3/2024 बताई गई है, लेकिन अभी भी आप इनसे कॉन्टेक्ट करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। जो सीट्स इनकी बच रही होती हैं वो फिल करने के लिए स्टूडेंट्स को बाद में रखते हैं, इनकी वेबसाइट है और इनके नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है बहावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे भी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ डीपीटी के प्रोग्राम में एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पे ये बता देख सकते हैं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से एफिलियेटेड है। बाकी मजीद किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने से पहले PNC यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप उन तमाम कॉलेजेस की एफिलिएशन चेक करेंगे जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि आप किसी स्कूल में भी, किसी कॉलेज में भी, किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं खासकर नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए और वो प्राइवेट सेक्टर है, तो पहले आप PNC की साइट से उसकी एफिलिएशन चेक करेंगे। इसके बाद ये इनके नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके आप मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलेज है इस्लामिया नर्सिंग कॉलेज एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, यहाँ पे BS और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है। BS नर्सिंग जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ BS डेंटल टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और फार्मेसी के अलावा लेडी हेल्थ विजिटर के भी एडमिशन की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे इनके नंबर दिए गए हैं और इनका एड्रेस से आप मजीद डिटेल इनसे ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज एबटाबाद, यहाँ पे DPT के साथ साथ BS नर्सिंग और पोस्ट RN के प्रोग्राम में एडमिशन की अनाउंसमेंट की गई है और फॉर्म D के प्रोग्राम में भी एडमिशन ओपन है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ इस तरह बताई गई हैं, BSN के लिए FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स और KMU CAT टेस्ट इज कंपल्सरी, यानी कि जिन्होंने KMU CAT टेस्ट दिया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो अप्लाई नहीं कर सकते। इनका यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, इनके वेबसाइट के लिंक्स भी दिए गए हैं, आप इनको विजिट करके मजीद डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है महबूब मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी एडमिशंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके जो मैट्रिक में मार्क्स हैं वो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री लाजमी है और इसी तरह FSC प्री मेडिकल हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री लाजमी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LHV के प्रोग्राम में भी यहाँ पे एडमिशन ओपन है, इनके नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप मजीद डिटेल इनसे यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिलेटेड है। यहाँ पे BS नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि कैंडिडेट ने मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा हो, FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लियर किया हो और एज लिमिट 17-35 ईयर्स है। पासिंग एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू ऑफ द कॉलेज, यानी कि कॉलेज की तरफ से एंट्री टेस्ट और
इनका इंटरव्यू होगा वो लाजमी क्लियर करना होगा। यहाँ पे इन्होंने डेट्स वगैरह भी बताई हुई हैं, आप ये देख सकते हैं, मजीद इनकी वेबसाइट को विजिट करके मजीद डिटेल ले सकते हैं, ये नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो ये थे कुछ कॉलेजेस जिनमें इस वक्त बीएस नर्सिंग फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हर साल आर्मी की तरफ से AFNS का प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है, यानी कि आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। तो आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो वहां पे अप्लाई करने के लिए आप हमारे साथ इन टच रहें, और उसके टेस्ट की तैयारी भी हमने स्टार्ट करवा दी। अगर आप वो टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप करके आप मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपने सर्च करना है कूल एजुकेट। यहाँ पे सर्च करना है कूल एजुकेट। तो ये सर्च करेंगे, ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो पहला लिंक आ रहा है आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। जैसे ये वेबसाइट आती है तो मैं आपको फर्दर आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अपडेट्स। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप की अपडेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हर किस्म की लेटेस्ट जॉब की अपडेट्स यहाँ से मिल जाती हैं, लेटेस्ट एडमिशन की अपडेट्स यहाँ से मिल जाती हैं। अगर आपने आर्मी में किसी भी फील्ड में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में टेस्ट देना है तो उस टेस्ट की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आर्मी का टेस्ट है, नेवी का टेस्ट है, एयरफोर्स का टेस्ट है तो यहाँ पे सिंपली आगे क्लिक करेंगे और PMA है, लेडी कैडेट है, आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज है, यानी कि AFNS का है तो आप AFNS आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप वर्बल, नॉन वर्बल ये सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आप आके ये सिंपली सारे टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, उनके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं और सारी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।